मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं मुंब्रा के बाईपास से सटकर अंबेडकर पाड़ा में। और जिस तरह से आपको बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे भारत में जो है कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और ये 14 अप्रैल तक का इसी तरह से कर्फ्यू लगा रहेगा। कोरोना वायरस के एहतियात के तौर पर जिस तरह से जो दुकानों को जो है निर्देश दिया गया है कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुले रहे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो है उन लोगों पर आ चुकी है जो जिनका रोज़ कमाना और रोज़ खाना रहता था, जिस तरह से उन्हें अब राशन लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो है सब्जियां हो गई या फिर और भी अन्य सामान हो गए। अब ऐसा वक्त आ गया है कि लोग ब्लैक कर रहे हैं, यानी दुगने भाव में भी बेच रहे हैं और सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का इसका समय है और काफ़ी भीड़ होती है ख़रीदारी करने वालों की। और इस झोपड़पट्टी में आपको दिखा दें कि ये पूरा अंबेडकर पाड़ा एरिया है, ये यहाँ पर लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और इनका कहना है कि कई दिन ऐसे हो गए हैं कि अभी तक ये जो है दुकानों पर ख़रीदारी नहीं कर पाए हैं और मार्केट में भी गए थे लेकिन अभी तक कुछ ख़रीदारी नहीं कर पाए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस जो फैल रहा है इसको देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है कि कर्फ्यू लगाया जाए ताकि लोग ज़्यादा सड़कों पर ना घूमें। दुकानों को निर्देश है कि वो समय टाइम टेबल है उनका एक खोलने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऐसा देखा जा रहा है झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं लोग, इनको जो है वो चीज़ जो है भारी पड़ रही है क्योंकि इन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। हाँ, हम लोग को तो कुछ राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है, जा रहा है 11 आज सस्ता नहीं कुछ नहीं, हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, कैसा काम धंधा कैसा करेंगे हम लोग। 20 रुपए वाली सब्जी 60 रुपया किलो हो गया, हम लोग कैसा लेंगे। हम लोग राशन दुकान में जाओ तो गर्दी में भी नहीं आता है कि इंसान नंबर से एक एक किलो राशन कमाने वाले, एक एक किलो खाने वाले। हम लोग ज्यादा पैसा पानी है नहीं कि हम लोग 200-500 का लेके भरेंगे। खर्चा पानी भी इतना नहीं है हमारे पास कि हम लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदी करके घर में रख सके। 100-500 का सामान भी लेने जाते हैं तो दुकान पे वो भी नहीं मिल पा रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब आज तो सुबह से 8 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुली थी तो फिर आप लोग क्यों नहीं गए सामान लेने? गए थे, हम लोग का नंबर ही नहीं आ पाया ना। अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले पैसे वाले हैं, वो पहले से ऑर्डर दे दे के सारा सामान ले लिए, हमारे लिए उन लोगों को सामान ही नहीं छोड़ा। आधा किलो एक किलो सामान लेने गए तो बोलते सामान नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि ज्यादा ज्यादा सामान ले ले। शक्कर का भाव देख लो ना कितना हो गया, शक्कर का भाव सस्ता हुआ, जा 40 रुपए की शक्कर थी वहाँ पे अभी 60-70 रुपए कर कहाँ से लाएंगे? तरकारी के भाव अभी हमारे बच्चे घर में भूखे हैं तो काम पूरी कर्फ्यू लगा, हम जाएंगे कहाँ? भिंडी 40-30 रुपए में कोई पूछता नहीं था, 150 रुपए किलो हो गई है। टमाटर 100-150 रुपए किलो कहाँ से लाएंगे हम? आज हमारे बच्चे भूखे हैं लेकिन हम लोग को तुम लोग तो बंदोबस्त सब ये करके रखे, हम कहाँ जाएंगे? एक हफ्ते में हमारा ये हाल है तो 2-1.5 महीने में क्या हाल होएगा? अभी 15 तारीख तक 14 तारीख तक झेलना है तो हमारे पानी पी के रह सकते, बच्चे पानी पी के रह सकते कि बच्चे लोग तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। क्या राशन जो है रोज खरीद कर लाते थे और रोज कर्फ्यू तो एहतियात के तौर पे लगाएगा क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है, ये इसे फैलने से लिए रोकथाम के लिए जरूरी है कि लोगों को सेंटर बना के रखे। जाएंगे हम अभी लोग ने रोक लगा इतनी महंगाई करे लेकिन गरीब कहाँ जाएगी? हम लोग को तो रोज कुआ खोदो रोज पानी पियो है ना। हम लोग अभी हमारे बच्चे लोग एक एक चीज के लिए तरस रहे, हम लोग कहाँ जाने का, हमारे पास तो पैसा उतना है नहीं। अभी ये सब मालूम पड़ता था हम लोग भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रखते थे। अचानक अभी तक कोई संस्था वाले यहाँ पर आए आप लोगों को खाना वाना? आज तक कोई आया नहीं है पूछने के लिए। रोजाना कपड़ा बर्तन भांडी बर्तन का काम करती है लेडीज लोग, उन लोग को भी निकाल दिए, बोले काम पे से निकल जाओ, हम लोग अगर हम लोग काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे कैसे? सब घर पे बैठे किसका पैसा चलेगा? इधर पे जो छोटे छोटे बच्चे दूध पीने वाले उन 100-150 रुपया लीटर दूध हो गया, कैसे पियेंगे दूध भी, क्या लेके आने का और क्या करने का? इधर पे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, ना बनाने का वांदा है, सब 2 दिन से खाना नहीं बनाया हम लोगों के घर में। 50-50 आदमी तो कैसे मिलेगा राशन? सरकार से आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या मांग कर रहे हैं आप? राशन पानी तो दे कम से कम, कोटा से कुछ भी माने मदद करे कि हमको राशन पानी दे तो हमारे बच्चे भूखे ना पड़े कम से कम। अरे वो घास लेट लकड़ी में कैसा भी खाना बना लेंगे कम से कम, या तो मौजा करे कि राशन मिलेगा घर में, तो राशन होगा तो चटनी रोटी बना के खा सकते हैं, जब राशन ही नहीं होगा तो क्या खाएंगे, माटी खाएंगे है? हम तो पैसा नहीं होगा दवाई इलाज कहाँ से लाएंगे? दवाई इलाज तो चलो फ्री में हो जाएगी,
दवाई लात तो चलो फ्री में हो जाएगी सरकारी में, पर खाने का तो चाहिए जरूरी। खाना कोई थोड़ी देगा हमको खाने के लिए, हमको गवर्नमेंट दे सकती है राशन पानी। ये देखो ये लकड़ी लेके चलता है, अभी काम तो छूट गया, क्या खिलाऊंगी इनको, तो कुछ ना कुछ तो भी मिलना चाहिए। बस ये इतनी रिक्वेस्ट है हम लोग, सरकार को बोलिए कि हमारे लिए राशन पानी दूध जो आपसे हो सकता है वो करिए, जो आपसे जितनी मदद होना चाहिए उतनी हमको उम्मीद है आपसे, बस सरकार से ही उम्मीद है, हमसे आम जनता से तो उम्मीद नहीं है, वो खुद मोहताज है, उनसे नहीं मांग सकते, ये सरकार ने करी ना, तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमको खाना पानी दूध जो हमको मिलता है वो हमें मिले। तो मुंब्रा बाईपास से सटा हुआ अम्बेडकर पाड़ा इलाका है, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। इनका कहीं ना कहीं कहना है कि जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा तो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब खतरा जो है भूख का बढ़ रहा है, यानी राशन पानी ना मिलने की वजह से जो है अब लगातार जो है भूख से भी खतरा बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि लोग काम धंधे पर भी नहीं जा पा रहे हैं और उनके घर में जो है राशन भी नहीं है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग ऐसे थे कि मतलब जो रोज कमाते थे उसी पैसे का ये अपने घर रोज राशन लेकर आते थे और उसी से इनका गुजारा चलता था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से अब इनका काम भी बंद है और राशन भी ये नहीं ले पा रहे हैं, और राशन लेने का जो समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक है उस वक्त काफ़ी भीड़ होती है, जिसकी वजह से इन लोगों को अभी तक राशन भी नहीं मिल पाया है, और ये सरकार से जो है राशन की उम्मीद यानी मदद की जो है उम्मीद कर रही है, सरकार से ही मदद की अपील भी कर रही है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।